दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्लिपकार्ट से हम ईएमआई पे किसी भी सामान को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, किस तरीके से मंगवा सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज चल रहा है और ऐसे में बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चाहते हैं महंगे महंगे सामान, जैसे आईफोन हो गया, टीवी, लैपटॉप, फ्रिज, ये सब, इन सभी पे भी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी दोस्तों बहुत सारे लोग सामान खरीदना चाहते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो सोच रहे हैं हम ईएमआई पे ऑर्डर कर लेंगे और बाद में धीरे धीरे चुका देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ईएमआई पे कैसे फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर करते हैं, कैसे मंगवाते हैं, इसका फुल प्रोसेस, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। कितना आपको बाद में पेमेंट करना होगा, कितना ब्याज वगैरह एक्स्ट्रा पे करना होगा, ये सारा कुछ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो गाइज, हमने यहाँ पे फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे चलो मैं आईफोन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये देखो आईफोन है, ठीक है, इस आईफोन को हम ईएमआई पे आपको ऑर्डर करके दिखाते हैं। जैसे देखो गाइज यहाँ पे ईएमआई पे ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले तो आप इसका प्राइस चेक कर लेना एंड ऑफर चेक कर लेना, और यहाँ पे जो भी कलर वगैरह है फ़ोन का या फिर जो भी सामान मंगवा रहे हो उसका आप ये सब कुछ अच्छे से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये देखो सामान का जो प्राइस है वो इतना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको मतलब ऑफ़र भी मिलता है, ऑफ़र में भी अभी वैसे भी बिग बिलियन डेज में आपको ऑफ़र मिल ही रहा है, डिस्काउंट मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑफ़र भी होता है, उसको भी आप चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो सी ऑल बैंक ऑफ़र पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑफर्स दिखेगा। तो अगर आपके पास फ्लिप यहाँ पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको 3500 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, एंड फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का होगा तो आपको 2750, और HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको 4000 रुपये ऑफ हो जाएगा। तो चलो यहाँ से हम बैक आते हैं, इसको एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे EMI पे ख़रीदने के लिए आपको पे विथ EMI का ऑप्शन मिलता है नीचे में, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे हमें स्किप करना है, स्किप करेंगे उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा सामान आ जाएगा एंड जितना भी प्राइस है वो आपको नीचे में शो हो जाएगा, ठीक है, 55,198 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू विथ EMI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बहुत ही आसान है EMI पे ऑर्डर करना। अभी आप देखो यहाँ पे सी प्लान का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, इस सी प्लान वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो उसके बाद आप यहाँ पे देखो आप यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर लेना, जितने भी बैंक हैं, ठीक है, जो भी बैंक एक्सेप्ट करेगा EMI वही बैंक सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे इसका पूरा प्लान आपको शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो सबसे पॉपुलर ये वाला है, ठीक है, ये 9603 रुपया 6 मंथ के लिए है, 6 मंथ में ये आपका जो है EMI कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे 15.5% का यहाँ पे ब्याज लग जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो टोटल यहाँ पे दिख रहा है 16.5, ठीक है, यहाँ पे। तो मतलब एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, जैसे आप डायरेक्ट इससे ही करोगे, जैसे ये देखो 9603 रुपया, तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं एंड यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करेंगे। देखो हम यहाँ पे डालते हैं 9603 रुपया, हमने ये डाला, उसके बाद यहाँ पे 6 से इसको गुना कर देंगे, ये देखो हमें 57,000 टोटल पे करना होगा, मतलब ब्याज वगैरह सब लेके। तो यहाँ से फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे एंड डायरेक्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कितना, ये देखो EMI पे अगर आप लोगे तो 2698 रुपया यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, जो भी मोबाइल का रेट होगा उससे। तो बस आपको यहाँ से कोई भी प्लान सेलेक्ट करना है, जैसे 9600 वाला ही हम सेलेक्ट करते हैं, 6 मंथ में हमारा ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आप चूज प्लान के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गाइज आपके क्रेडिट कार्ड का जो भी नंबर होगा उस नंबर को यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे MMYY एंटर करना है एंड CVV एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद दोस्तों प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके जो जैसे ये जो कार्ड है वो जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP डाल के कन्फर्म कर लोगे तो यहाँ से दोस्तों आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप EMI पे इस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। अब जो भी डिलीवरी बॉय आपको सामान देने आएगा उससे आपको यहाँ पे फ़ोन ले लेना है, फ़ोन लेने के बाद उसको एक भी रुपया पे नहीं करना है, और आपके क्रेडिट कार्ड जो भी होगा, ठीक है, उस पर दोस्तों जो भी यहाँ पे अमाउंट है उस अमाउंट को एक महीना में डालते रहना है ताकि वहाँ से पैसा कटते रहे, और इस तरीके से आपका EMI भी धीरे धीरे करके सध जाएगा। तो दोस्तों
ये वीडियो था, इस तरीके से आप Flipkart पे EMI पे किसी भी सामान को ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।